न्यू हाउस आ चुका है गाइस, और ये वाला घर तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इस वाले घर में बहुत ही बड़ा बेड है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा बड़ी अलमारी भी है। और इस वाले घर में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसमें सबसे बड़ी टीवी और यहाँ पे कंप्यूटर भी है, और इसमें बहुत ही ज्यादा कमरे हैं। इसका मतलब ये घर बहुत बड़ा है गाइस। अगर इस वाले घर का आपको चैट कोड चाहिए या फिर जानना है कि इस घर को कैसे लाते हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं समुंदर में अपनी डॉल्फिन के पास आया था ताकि डॉल्फिन को मेरा मस्त वाला खाना खिला सकूं, लेकिन इनको खाना मैंने खिला दिया है। अब मैं जा रहा हूं फटाफट से न्यू हाउस को बताने के लिए, आप सबको बताने के लिए कि न्यू हाउस कैसे लाना है। सो गाइस, ये पड़ी मेरी मॉन्स्टर फॉर्च्यूनर, और मुझे व्हाइट कलर पसंद है इसलिए मैंने मॉन्स्टर फॉर्च्यूनर का कलर व्हाइट रखा है। तो हाँ, मैंने इसको यहाँ पे रखा था, लेकिन ये मेरी नहीं है, मैं इसको एयरपोर्ट की पार्किंग से लाया हूँ। तो घर जाने से पहले मैं फटाफट से इसको अपने एयरपोर्ट की पार्किंग में छोड़ के आता हूँ। गाइस, आज तो पता नहीं क्यों बट रोड पर बहुत ज्यादा पब्लिक नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है कुछ तो है इस सिटी में, इतनी सारी गाड़ियां और इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं। गाइस, हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, बस मुझे इस कार को, अपनी जो फॉर्च्यूनर है उसको मुझे एयरपोर्ट की पार्किंग में रखना है। तो हाँ, मैं पार्किंग में लेके आ चुका हूँ मेरी फॉर्च्यूनर को, और बस यहाँ पे मैं पार्किंग में रख कर इसे उड़ा दूंगा। वैसे भी मुझे पता नहीं है किसकी थी, सो यहाँ पे मैंने रख दी और अब मैं उड़ा दूंगा। तो सो गाइस, हमने उड़ा दी अपनी फॉर्च्यूनर को, अभी चलते हैं फटाफट से। तो अभी चलते फटाफट से मेरे चाचा के वहां पे, क्योंकि वहां से, मतलब चाचा तो नहीं है, गोलू के पापा मतलब चाचा ही हुए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। गाइस, अभी अपनी बाइक तो मिल चुकी है, अभी यहां से सीधा चलते, जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से चलते हमारे गोलू के घर से, और वहां से हम बाइक लेके सीधा चाबी लेके वहां से निकल जाएंगे। बाइक क्या, ये बाइक ऐसे ही गिर जा रही है, थोड़ा पुशअप मार लेता हूँ यार। एक बार 1 2 और एक बार 3 और एक बार ट्राई कर लो, 4 हो गया गाइस। तो थोड़ा बहुत पुशअप भी मार लिए क्योंकि नीचे गिरा था तो थोड़ा सा मतलब चोट आई थी। तो अभी हाँ, चलते बाइक लेके और सीधा गोलू के घर चलते, देखते गोलू घर है कि नहीं है, क्योंकि उसी के पास चाबी थी। तो अभी गोलू का घर तो गाइस एकदम पास ही है। तो गाइस, गोलू की बस्ती तो आ चुकी है, और हाँ वो बस्ती का हस्ती है, तो गली तो आ चुकी है, बस उसका घर ढूंढना है। मुझे पता है, शायद मैंने देखा है उसका घर, तो मैं घर बता देता हूँ। ये रहा गाइस, घर तो मिल चुका है मुझे, और बस यही घर है। तो यहाँ पे बाइक खड़ा रह के उसको निकालना पड़ेगा बाहर, शायद वो स्कूल तो नहीं गया, देखते अंदर क्या है। बट जल्दी से उसको घर के बाहर निकालते एक बार, मतलब उसके मम्मी पापा घर पे ना हो तो अच्छा है यार। हाँ, अभी निकलते। अबे गोलू, आवाज तो आ नहीं रही है, मैं तो चिल्ला रहा हूँ बट आवाज नहीं आ रही है। चलो निकालते यार। तो एक सेकंड, इसको गधा मधा बुलाऊंगा तो जल्दी आएगा। अबे गधे बाहर आ, ओ गधों की फैमिली, अबे सुअर के बच्चे। अबे ये लोग कहाँ से आ गए? अरे तुम लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ये कौन से लोग है? ये तो गोलू वाले नहीं है, इसका मतलब गोलू यहाँ से घर खाली करके चला गया। ये लोग तो अलग लग रहे हैं, और लगता है ये लोग मुझे चोर समझ रहे, इसलिए ये लोग मुझे मानने पीछे पड़े। अभी मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे यार समझ जाओ, एक तो डॉक्टर लग रहा है, एक अंकल भी है, सब समझ नहीं रहे यार मेरी बात को, सुनो तो सही। चलो जानते, अभी जाना पड़ेगा मुझे, ये लोग तो सुन नहीं रहे, यहाँ से भाग जाता हूँ मैं बाइक लेके, क्योंकि ये लोग तो सुनने वाले हैं नहीं। वैसे भी ये सब बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे, बहुत ही गुंडे टाइप लोग हैं ये साले। अच्छा समझ ही नहीं रहे। अबे मैं चोर नहीं हूँ यार, मैं चोर नहीं हूँ समझो, ऐसे घर में, भिखारियों के घर में कौन चोरी करेगा। अरे ये तो पीछे आ रहे हो, अब भी ये बोलना बंद नहीं करे। गाइस मेरे पास एक आइडिया है इनको चुप कराने के लिए, मुझे ना एक मस्त आइडिया आया है। मैं एक काम करता हूँ, वो व्हाइट वाली गाड़ी ले लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। सुख व्हाइट कार मुझे मिल चुकी है, और एक प्यारे से भाई ने अभी रोड पे बैठने वाले उन्होंने बोला, तो अभी मैं उनको निकालूंगा गाड़ी के अंदर से। ये लोग इधर भी आ गए, सो ये रोड पे बैठ गए, अभी हम चलते इनको। वो भाई आराम से वहाँ पे रोड पे लेटे हुए और बाकी सब भी लेट गए, तो हाँ अभी सबको बराबर का लेटा थे। तो भाई, ओ भाई मैं भी पड़ गया। सो गाइस, ये वही लोग है जो आराम से घर में बैठे हुए थे, लेकिन मुझे चोर समझ के मुझे मारने के लिए आ गए, और मैंने उनको लेटा दिया, वो भी रोड के ऊपर।
क्यों हिला डाला ना? तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। और गाइस, क्या उनका यही हाल होना चाहिए था? मुझे कमेंट में बताओ, क्या उनको ऐसे मार देना चाहिए था? अगर हाँ तो कमेंट में बताओ, ना तो अभी कमेंट में ही बताओ। सो गाइस, अभी फटाफट से चलते, लेकिन तुमने कमेंट किया ही नहीं अभी तक। और गाइस, किसी भी चीज का अगर आपको चैट कोड चाहिए, मॉन्स्टर ट्रक का या ट्रेन का या किसी भी चीज का, ओ भाई मुझे लग गया। सो गाइस, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं बुलेट ले लेता हूँ। नहीं यार, मैं एक काम करता हूँ, फॉर्च्यूनर ही ले लेता हूँ। सो फॉर्च्यूनर के साथ हम चलेंगे और इसको व्हाइट कलर कर देता हूँ मैं, क्योंकि व्हाइट मुझे पसंद है, आप सब जानते हैं। हमारे पास मॉन्स्टर फॉर्च्यूनर थी, बट ये वाली भी काफी अच्छी है। सो मैं ये कह रहा था कि आपको किसी भी चीज़ का चैट कोड चाहिए, ट्रेन का मतलब नए ट्रेन का, और बहुत सारे मेरे हैं वीडियोस, तो जाके देखो, आपको आपको चैट कोड मिल जाएगा। और हम यहाँ पे आ चुके हैं और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो हाँ, हम घर पे आ गए, आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। सो गाइस, सच में बोलूं तो ऑलरेडी घर आ चुका है गाइस। हाँ गाइस, हमारा घर चेंज हो चुका है और हमारे पास नया वाला घर भी आ चुका है गाइस। बट थोड़ा सा काम करना होगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर और गेम को अपडेट मारना पड़ेगा, और उसके बाद घर का कोई चैट कोड नहीं है, घर तो वैसे ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एक्चुअली हमें दो घर मिलने वाले हैं, 5-6 दिनों के अंदर अपडेट आ जाएगा मोबाइल के अंदर। तो जब भी प्ले स्टोर पे जाके आप अपडेट कर लेना इस गेम को, तो आपका फोन अपडेट हो जाएगा और उसी के साथ ये गेम भी अपडेट हो जाएगी, और नए हाउस के साथ साथ बहुत सारी चीजें आएगी। तो सबका चैट कोड चाहिए और काफी ज्यादा चीजें आने वाली है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, सारे चैट कोड अगर जानने हैं नई जो अपडेट में आने वाले उस चीज के, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।